आज सुबह सुबह मैंने अपना योगा मैट डाला, नॉट सुबह सुबह, 9 o'clock हो चुके थे, और क्योंकि मैं हम जिम नहीं गए थे, सूरज को वायरल हो गया है, उनको काफ़ी फीवर है, तो मैंने सोचा चलो सूरज के ऑफिस जाने के बाद मैं घर पे ही थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, लाइक फोर फ्लोर एक्सरसाइज जो कुछ होते हैं वो, विद सूर्य नमस्कार किया साथ में, और ऑलमोस्ट 36 मिनट की एक्सरसाइज हुई, 210 कैलरी बर्न किया, बट इससे फ्रेशनेस बहुत आ गई और मेरी भी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। ब्रेकफास्ट में है आज ओनली गुआवा, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रंच के लिए, तो उस कैलरी को मेंटेन करने के लिए मैंने आज सिर्फ गुआवा लिया है, और श्यांश यहाँ पढ़ाई कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मन हुआ चाय पीने का, क्योंकि ठंड है और मुझे भी बहुत एलर्जी हो रही है, लाइक साइनस है ही मुझे, तो इससे गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और श्यांश देखो कुछ काम कर रहा है, ग्रॉसरी आई थी तो वो उठा कर लाया है, इसमें ऑलमोस्ट 4 लीटर मिल्क थे तो उसको उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके ये गम्स हैं, और मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पे। और जब मैंने ये ड्रेस पहना तो मुझे लगा कि हाँ 10 दिन के एक्सरसाइज में थोड़ी तो फ़र्क आई है। अभी तक मैंने कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया है, बट फील हो जाता है आपको कि आप थोड़े से लाइट लग रहे हो, और हम निकल गए फटाफट से। और देखो दीदी और तन्वी भी आ गए हैं, तो हम झूमते हुए जा रहे हैं कहीं, अच्छा खासा लंबा वॉक था तो हमने डिसाइड किया, मौसम इतना अच्छा है तो हम वॉक करके ही जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का वॉक था, बड़ी अच्छी बात है। जब खाने जा रहे हो इतना भर भर के कैलरी, तो उससे पहले कुछ कैलरी बर्न कर लो। तो हम आ गए हैं दैट प्लेस, काफ़ी नाम सुना था यहाँ के बारे में, तो एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे बेस्ट बात यहाँ की है कि आप बोर्ड गेम फ्री में खेल सकते हो, नहीं तो कोई भी बोर्ड गेम कैफ़े में आपको आवरली के हिसाब से वो बोर्ड गेम की चार्ज करते हैं। और मेन्यू तो इतना बड़ा था, आई थिंक 3 ऐसे पेपर थे, और बहुत वैरायटी थी, फ्यूजन कुजीन है। तो खाना ऑर्डर करने के बाद हम लगे गेम्स खेलने, बहुत वैरायटी के गेम्स थे, लाइक आपको आराम से 20 to 25 बोर्ड गेम वहाँ पर अवेलेबल हैं। और आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ, नो योर फैमिली एंड 5 सेकेंड रूल्स खेलने का, बच्चों के बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका था। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में दिया था हमें गार्लिक ब्रेड, लाइक ब्रेड अलग से था और गार्लिक बटर अलग से था, आप लगाओ और खाओ, बहुत यमी था। एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छा था कि जितनी बटर चाहिए उतनी लगाओ। फिर हमने फ्रेंच फ्राइज मंगाई थी, पेरी पेरी एंड चीज़ फ्रेंच फ्राइज, चाय मैंने और दीदी ने चाय ली, और वो वहाँ पे चाय बिना शुगर के देते हैं, वो भी मुझे अच्छी लगी। फिर हमने चिकन स्टीम्ड मोमो मंगाया, और ये है श्रेयांश का कॉम्बो प्लेट, उसको तो बटर चिकन खाना होता हर जगह पे, तो उसके लिए एक कॉम्बो प्लेट था। फिर हमने चिकन चिली बाओ मंगाया, चाउमीन मंगाया, और सब ने शेयर किया, और तो थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन बहुत वेराइटी खाया हमने। और बहुत सारी मस्ती करने के बाद एक सेल्फ़ी टाइम तो बनता ही है, तो हमने ली सेल्फ़ी और निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद पूरा वेदर ही चेंज था, इतना बढ़िया मौसम हो गया था, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि बहुत ठंडी सी हवा चल रही थी। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और जब बाहर मेरी नज़र पड़ी तो देखा अरे बारिश हो रही है, और अब बिलीव नहीं करोगे पीछे जो स्काईलाइन है उसमें पूरी धूप थी, और यहाँ हमारे जेल्टी में बारिश हो रही थी। फिर मैं निकल गई प्राउन्स लाने, तो आज मैं प्राउन्स बना रही हूँ, सूरज की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ चटपटा बनाया जाए। प्राउन क्लीन करके विनेगर वाटर में डाल दिया था, एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, एक तरफ प्राउन्स, और साथ में चाय बना ली है, सूरज भी आने वाले हैं घर, तो चलो किचन का काम हो गया, तो किचन को करते हैं भी थोड़ी देर के लिए बाय बाय, और अच्छे से मौसम में ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीते हैं। आप देखो वेदर, लाइक अभी 6 o'clock हो रहे थे, इतना प्यारा वेदर था, बारिश के बाद तो मज़ा। अराउंड 8 o'clock लगाया डिनर का प्लेट, तो ये है सूरज की प्लेट। दोपहर को जो इतना ठूसा है उसको एडजस्ट भी करना था, तो मैं खा रही हूँ एग एंड एवोकाडो सलाद, बहुत ही लाइट होता है एंड बहुत फिलिंग भी होता है। और ये था आज का मेरा दिन, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।